हरे राम हरे राम 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 हरे राम हरे राम 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 हरे 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 राम 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 हरे राम हरे राम 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 हरे राम 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 हरे राम राम हरे राम 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 हरे राम 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 हरे राम हरे राम 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 हरे राम हरे राम 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 हरे 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 राम राम हरे 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 राम 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 हरे राम हरे हरे 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 राम 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 हरे राम राम श्यापति रामचंद्र भगवान की जय उमापति महादेव की जय पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय सब संतन भक्तन की जय 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 सीता राम जय जय राधे श्याम।
रामकथा के नवे दिवस आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है। सर्वप्रथम हम सब मंगलाचरण का श्रवण करेंगे, फिर कथा के विषय वस्तु में प्रवेश करेंगे। रामं कामारि सेव्यं भवभयहरणं कालमते सिंहं योगिन्द्रं ज्ञानगम्यं गुणनिधिमजितं निर्गुणं निर्विकारम्। मायातीतं सुरेशं फलवधनिरतं ब्रह्मविन्दैकदेवम् वन्दे कन्दावदातं सरसिजनयनं देवमुर्वेशरूपम्। संखेन्द्वाभमतीव सुन्दरतनुं शार्दूलचर्मांबरम् कालव्यालकराणभूषणधरं गंगाशशांकप्रियं आशीषं कलिकल्मषौघशमनं कल्याणकल्पद्रुमं नौमीड्यं गिरिजापदिं गुणनिधिं कन्दर्पहं शंकरं। यो ददाति सतां शंभुः कैवल्यम् अपि दुर्लभम् फलानां दण्डकृत्योऽसौ शंकरः शन्तनोतु मे शंकरः शन्तनोतु मे। श्यापति रामचंद्र भगवान की जय। जय जय सीताराम जय जय राधे। कल की कथा में हम सब ने श्रवण किया, भगवान श्री राम सागर पार करके लंका के तट पर पहुंच जाते हैं, किनारे अंगद जी जाते हैं दूत बन करके संधि प्रस्ताव लेकर। पर रावण संधि प्रस्ताव को समझ नहीं पाता है, अभिमान में चूर है। अंगद जी आकर के सारी बात बताते हैं, विचार विमर्श होता है कि अब युद्ध करना होगा। प्रातःकाल भगवान श्री राम की जो सेना है चारों तरफ से लंका को घेर लेती है। जयति राम जय लक्ष्मण जय कपीश सुग्रीव गर्जहि सिंहनाद कपि भालु महाबल सीव। राजा रामचंद्र भगवान की जय। प्रभु श्री रामचंद्र भगवान की जय। भगवान का जयकारा लगा लगा के चारों तरफ से लंका को घेर लेते हैं। पहले दिन के युद्ध में रावण की आधी सेना मारी जाती है। आधा कटकु कपिन संघारा कहूं बेगी का करी बिचारा। रावण इस स्थिति से बहुत भयभीत होता है, बहुत चिंतित होता है। अगले दिन मेघनाद रणभूमि में आते हैं और अनेक प्रकार से अपने पराक्रम को दिखाते हुए युद्ध करते हैं। बीच बीच में वो छल भी करने लगते हैं युद्ध में, अपने आसुरी शक्तियों का प्रयोग करके ऐसी
स्थिति उत्पन्न कर देते हैं कि कई बार राम जी की सेना भ्रमित हो जाती है, चारों तरफ उन्हें अपनी ही सेना के लोग दिखाई देने लगते हैं, किसे मारे किसे छोड़े समझ में नहीं आता। कपि अकुलाने माया देखे, सब कर मरण बना ही लेखे। भगवान श्री राम देखते हैं कि हमारी सेना विचलित हो रही है, अपने एक ही बाण से असुरों की माया समाप्त कर देते हैं। और अब राम जी से आज्ञा लेके लक्ष्मण जी कहते हैं, हम अपने युद्ध के साथियों का प्रतिनिधित्व करेंगे, हम स्वयं रणभूमि में उतरेंगे। मेघनाद से लक्ष्मण जी बहुत घनघोर युद्ध करते हैं। मेघनाद और लक्ष्मण जी में बहुत बहुत घनघोर युद्ध होता है। जब मेघनाद को लगता है कि हमारा प्राण संकट में है, हम बच नहीं पाएंगे, तब अंत में वो शक्तिबाण छोड़ता है लक्ष्मण जी के ऊपर। जैसे ही शक्तिबाण लगता है, वैसे ही लक्ष्मण जी गिरने लगते हैं। उन्हें देख करके हनुमान जी, सुग्रीव जी, जामवंत जी सब निकट आ जाते हैं, उन्हें संभालते हैं और लेकर के उन्हें सुरक्षित स्थान पर जाते हैं। युद्ध रुक जाता है। भगवान श्री राम जब लक्ष्मण की ये दशा देखते हैं, बहुत व्याकुल हो जाते हैं, मन में विचार करते हैं और कहते हैं, यदि हमें मालूम होता कि अपने भाई को खोना पड़ेगा, हम कभी युद्ध नहीं करते। भावुक हो जाते हैं। जामन जी कहते हैं, प्रभु चिंता ना करें आप, इस लंका में सुषेण नाम के बहुत कुशल वैद्य हैं, उन्हें हमें लाना होगा। और ला करके जब सुषेण लक्ष्मण जी को देखेंगे, इनका उपचार करेंगे, तो लक्ष्मण जी फिर से ठीक हो जाएंगे। हनुमान जी जाते हैं, सुषेण को लेकर के आते हैं। सुषेण हनुमान जी के साथ आते हैं, लक्ष्मण जी के स्थिति को देखते हैं, उसका अवलोकन करते हैं और कहते हैं कि इन्हें संजीवनी बूटी का उपचार देना होगा, उसके रस से लक्ष्मण जी ठीक हो जाएंगे। पता बताते हैं और हनुमान जी तुरंत अविलंब संजीवनी बूटी लेने के लिए चले जाते हैं। मार्ग में हनुमान जी को प्यास लग जाती है। जब प्यास लगती है तो जल स्रोत देखते हैं, एक आश्रम नजर आता है। आश्रम में पहुंचते हैं, जल के लिए कहते हैं। वहां पर रावण का भेजा हुआ एक कपटी असुर है, चालने में वो कहता है, वो सरोवर में है, स्नान करके आइए, हम आपको एक ऐसा मंत्र देंगे कि आपकी प्यास सदा सदा के लिए समाप्त हो जाएगी। ये रावण ने नियुक्त किया था कि हनुमान जी सही समय पर संजीवनी बूटी लेके ना पहुंच पाए, तो उलझा रहा है ये कालने में। सरोवर में हनुमान जी स्नान करने जाते हैं, वहां एक मगरी रहती है, हनुमान जी के पैरों को पकड़ती है। हनुमान जी उसे जोर का घूसा लगाते हैं और वो हनुमान जी के स्पर्श से अपने मगर योनि से मुक्त हो जाती है, दिव्य रूप धारण कर लेती है। बताती कि हनुमान जी, ये जो मुनि के रूप में आप देख रहे हैं, जिसकी बात सुनकर के आप स्नान करने आए, वो कोई साधु तपस्वी नहीं, वो कालनेमी है, रावण के द्वारा भेजा हुआ। वो आपके मार्ग में अवरोध उत्पन्न करने के लिए सारा प्रपंच रचा हुआ है। हनुमान जी जाते हैं और कहते हैं कि आपसे मंत्र तो लेंगे, लेकिन पहले आपको गुरु दक्षिणा देंगे। कूटते हनुमान जी बढ़िया से और फिर सियावधि रामचंद्र भगवान की जय बोल करके उस स्थान चले जाते हैं जहां पर संजीवनी बूटी पाई जाती है। पहचान नहीं पाते हनुमान जी, पूरा पहाड़ ही लेकर के चल देते हैं। बीच में अयोध्या पड़ता है। भरत जी अयोध्या की रक्षा के लिए धनुष बाण लेके हर समय तत्पर रहते हैं, ताकि अयोध्या में किसी प्रकार का कोई दुर्घटना न घटे। आसमान में देखते हैं कि संजीवनी बूटी लेकर के एक बड़ा सा पर्वत कोई जा रहा है। बिना फर का बाण मारते हनुमान जी अयोध्या की धरती पर गिर पड़ते हैं।
जब भरत जी निकट जा करके देखते हैं तो हनुमान जी राम राम जप कर रहे हैं और अपने आप को संभाल रहे हैं। भरत जी को समझ में आ जाता है कोई राम भक्त है, दोनों में परिचय होता है। भरत जी को जब मालूम चलता है कि लक्ष्मण का प्राण संकट में, तो उन्हें बहुत दुख होता है, मन में बहुत पश्चाताप होता है। हम कभी भी भगवान के किसी कार्य नहीं आ पाए। हनुमान जी से कहते हैं, भरत जी, हे हनुमान जी, हम आपको अपने बाण पर बिठा करके भगवान के पास भेज देंगे जहां आपको जाना है। हनुमान जी कहते, नहीं, हम चले जाएंगे, आपसे मिलना हुआ, ये अच्छा लगा। वर्षों बाद आज राम जी का समाचार मिला है भरत जी को, और वो भी ऐसा समाचार जिसे सुन के भरत जी बहुत दुखी हुए। हनुमान जी भरत जी एक दूसरे से मिलते हैं और फिर हनुमान जी प्रभु श्री राम के नाम का सुमिरन करके उस पर्वत को लेकर के वहां पहुंच जाते हैं जहां पर प्रभु श्री राम लक्ष्मण भैया विराजमान है। सुषेण वैद्य जो है उसमें से संजीवनी बूटी निकालते हैं, उसका रस निकाल करके जब लक्ष्मण जी के मुख में रखते हैं, उसके प्रभाव से लक्ष्मण जी की चेतना पुनः वापस आ जाती है, उनकी मूर्छा समाप्त हो जाती है और यह दृश्य देख करके सब लोग बहुत प्रसन्न होते हैं, सब खुश हो जाते हैं। बहुत अच्छा सा भजन है, भजन सुनते हैं फिर आगे की कथा में प्रवेश करेंगे। दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। नहीं, अब सब जाएगा नहीं जी, जाए जी मैं जाओ। राम जी चले न हनुमान के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। दुनिया चले न श्री राम के बिना, दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना।
लक्ष्मण बचे न श्री राम के बिना, लक्ष्मण बचे न श्री राम के बिना, बूटी मिले न हनुमान के बिना, दुनिया चले न श्री राम के बिना, दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम चले न हनुमान के बिना। सिंहासन पे श्री राम जी बैठे, सिंहासन पे श्री राम जी, चरणों में बैठे हैं हनुमान जी, चरणों में बैठे हैं हनुमान जी, बैठे सिंहासन पे श्री राम जी, चरणों में बैठे हैं हनुमान जी, बैठे सिंहासन पे श्री राम जी, चरणों में बैठे हैं हनुमान जी। अरे मुक्ति, अरे मुक्ति, अरे मुक्ति मिले ना श्री राम के बिना, मुक्ति मिले ना श्री राम के बिना, दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम चले न हनुमान के बिना, दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम चले न हनुमान 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 के बिना। दुनिया 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 चले न श्री राम के बिना, राम चले न हनुमान के बिना, दुनिया चले न श्री राम के बिना, तबला कितना लाउड बज रहा था और आपका आर्गन उसमें दबा हुआ है और प्रमाण जी है तो घर पर हम दिखाएंगे आपको रूम पे। कल हम बताए थे कि जितना तबले का लेवल है उसे नीचे मत आओ, या फिर तबला कम करा देंगे तो चटक पुल खत्म हो जाएगा। सुनना पड़ता है भैया, और लेवल में सुनना पड़ता है कि हम कितना कम हो रहे हैं, ज्यादा हो रहे हैं। लक्ष्मण जी ठीक हो जाते हैं, लोग बहुत प्रसन्न होते हैं। लेकिन जब ये बात रावण को मालूम पड़ता है तो बहुत दुखी होता है, बेचैन हो उठता है। वो जाता अपने भाई कुंभकर्ण को जगाने। कुंभकर्ण की वो पंखा बंद करिए, उस दिन हमने बंद कराया था, कोई एक लोग जाके कॉर्नर पंखा बंद करते, सबसे उधर वाले पेम पे कर रहा है वो, बाहू जाओ उसको बंद करो।
रावण का भाई है कुंभकर्ण, रावण उसे जाके जगाता है। कुंभकर्ण की एक प्रवृत्ति है, बहुत खाता है बहुत सोता है, 6 महीने सोता है फिर जगता है फिर खाता है फिर सो जाता है। तो लोग भैया लोग अब जगाएंगे, जगाइए। किसी के नींद को जब हम समय से पहले तोड़ते हैं बहुत गुस्सा आता है उसको। रावण कुंभकर्ण के जगने के बाद अब तक का सारा जो उसका व्यवहार है वो सब बताता है कुंभकर्ण को। जब ये सुनता है कुंभकर्ण की जानकी मियाँ का रावण ने हरण किया है, बहुत क्रोधित होता है। सुनि दस कंधर बचन तव कुंभकर्ण बिलखान, जगदम्बा हरियानी अब सठ चाहत कल्याण। तुमने जगत जननी का हरण किया है और अपना कल्याण चाहते हो, ये बहुत ही गलत कार्य किया। अभी भी समय है, ये रावण जा करके राम जी से क्षमा मांग लो, वो तुम्हें माफ कर देंगे। और स्वयं क्या कहता है, कहता है अब तो हम स्वयं ही जा करके भगवान के स्वरूप का दर्शन करेंगे। श्याम गात सरसी रूह लोचन देखऊं जाए तापत्रय मोचन। तीनों तापों को छुड़ाने वाले परब्रह्म के श्याम
स्वरूप का दर्शन करेंगे और अपने जीवन को सार्थक करेंगे। राम रूप गुण सुमिरत मगन भयउ छनेक। राम जी के स्वरूप के बारे में, गुण के बारे में सोच करके, विचार करके कुंभकर्ण भीतर भीतर आनंदित हो जाता है। और इसी समय रावण कुंभकर्ण की जितनी भी कमजोरियां हैं सब उपस्थित कर देता है। विषय उसके जीवन में आलंबन बन जाते हैं और वो जैसे ही सुगंध लेता है वैसे ही टूट करके खूब खाता है, पीता है और अपने मति से च्युत हो जाता है। थोड़ी देर पहले जो कुंभकर्ण भक्ति की बात करता है, सिद्धांत की बात करता है, मर्यादा की बात करता है, उचित अनुचित की बात करता है, वो सब कुछ भूल जाता है और अब खा पी करके रणभूमि की ओर जा रहा है राम जी से युद्ध करने के लिए। ये तो कुंभकर्ण की बात हो गई। हम सब अपने जीवन को जब जाग के अंदर देखेंगे, खुद के अपने व्यवहारों पर, विचारों पर चिंतन करेंगे, मनन करेंगे, इतना तो नहीं लेकिन थोड़ा बहुत हम सब भी ऐसे ही व्यवहार करते हैं। सुबह उठते हैं मन खूब सात्विक रहता है और फिर बढ़िया सा आपको नाश्ता दे दिया जाए और आपका अपने जिह्वा पर, स्वाद पर नियंत्रण ही न रहे तो चार पराठा की जगह आठ पराठा, सात पराठा, दही का खा लिया। खाते गए जानवर की तरह से और खाने के बाद जाके कुंभकर्ण की तरफ रात भर सो के उठे थे और फिर चालू हो गया सोना। ऐसे लोग धरती के भार हैं। खाली सोना। दिन में सोना बिल्कुल नहीं चाहिए, एकदम नहीं सोना चाहिए। और ये सोने का दुर्भाग्य किसका होता है? जिस पर भगवान बड़ी कृपा करते हैं। कृपा नहीं है वो, कृपा तो किए हैं लेकिन हमने अपने ऊपर जो है अपनी आदत और अपना स्वभाव खराब कर दिया। कोई भी काम करने वाला दुकानदार बताइए दिन में सोता है? फैक्ट्री में आप लोग सेवाएं देते हैं, दिन में सोने का टाइम मिलता है? कभी नहीं। छुट्टी के दिन सो सकते हैं, बाकी नहीं। जितने भी आश्रम है ना सब जगह चले जाइए, शाम को नहीं, दोपहर 2 बजे कोई बाबा जगा हुआ नहीं मिलेगा। जितने बड़े बाबा सब खा के सो रहे हैं, सब सो रहे हैं, आराम कर रहे हैं। ठीक है, सोने के लिए रात बनी है, जगने के लिए दिन बना है। एक बात हम समझ लें कि हमारा जैसे बाहर एक क्लॉक होता है ना, घड़ी होता है, वैसे हमारे शरीर में भी एक घड़ी होती है। अगर इसको सही तरीके से ट्यून कर देंगे ना तो एकदम सही समय पर आप जग जाएंगे। 4 बजे अलार्म की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप शरीर जग जाएगा। लेकिन उसको फिर आपको 10 बजे रखना पड़ेगा स्लीप मोड पे। अगर आप 12-1 बजे तक फोन चलाएंगे, पिक्चर देखेंगे तो 8-9 बजे तक सोएंगे। जिस समय सूर्य की किरणों से हमें ऊर्जा लेनी चाहिए उस समय हम मुर्दा बने रहेंगे। आधी बीमारी तो इस कारण से हम सबके दिल में, दिमाग में और शरीर में बैठ जा रही है क्योंकि हमने प्रकृति के साथ नहीं चलना शुरू किया। अपने मन का सोएंगे, अपने मन का जगेंगे, अपने मन का खाएंगे और अपने शरीर को बर्बाद कर जाएंगे। अगर हम 4 बजे उठ जाते हैं ना तो आप देखिए आपके जीवन का काल कितना बड़ा हो जाता है। हमारे कलाकार लोग हैं यहाँ पे बैठे, इनके सामने कह रहे दिन ही नहीं कट रहा है, 2 घंटा कथा हो रहा है। झूठ नहीं बोल रहे हैं, सच बोल रहे हैं। दिन क्यों नहीं कट रहा है? क्योंकि आपको दिन का उपयोग करना नहीं आ रहा है। हाँ, दिन उसका नहीं कटता है जिसको दिन का सदुपयोग करना नहीं आता है। और जिसके पास काम है कुछ नया नया सीखने का, उसके भीतर ललक है, उसके दिन कम है, मतलब उसका समय कम पड़ जाएगा। आप जिस विधा में हैं, जिस विधा में आप काम करें, उस विधा के अलग अलग उस्तादों को, गुरुओं को सुनिए, समझिए, अपने ज्ञान को बढ़ाइए, तब जाके एक दिन आप ऐसी ऊंचाई पे पहुंचेंगे कि आपके गांव नहीं, आपके जिले, आपके देश को आप पर फक्र होगा। लेकिन हम लोग
चार ठो जान गए तरीका, वही के पीट पाट के, वही के बजा वजा के कॉपी पेस्ट करके पेट भर रहे हैं, सो रहे हैं, मर रहे हैं, अपनी जिंदगी को खराब कर रहे हैं। हर दिन हमें कुछ सीखना होता है, हर दिन हमें कुछ और नया पाना होता है। ये जीवन मिला है, दोबारा पता नहीं जानवर बनेंगे, बकरी बनेंगे, मुर्गी बनेंगे, क्या बनेंगे कुछ मालूम नहीं। या तो सीखिए या भजन करिए, दो में से एक काम करिए। भजन जो लोग नहीं कर पाते हैं उनको ये चाहिए कि कुछ नया नया सीखा जाए, क्योंकि भगवान का भजन ध्यान सुमिरन सबके वश की बात नहीं है। आजकल तो सीखना बहुत आसान है, बहुत आसान है। अगर ये जमाने में कोई कहेगा कि हम नहीं सीख पा रहे हैं तो वो खुद को धोखा दे रहा है। तो ये तो खाली हम अपने बीच की बात सुना दी, बाकी सबकी बातें करीब करीब ऐसी हैं। जब रणभूमि में कुंभकर्ण जाता है, विभीषण उन्हें समझाते हैं कि भैया आप कहाँ जा रहे हैं, किससे युद्ध करेंगे, आपको पता है ना राम कौन है। कुंभकर्ण कहता है, सुन सुत भयं कालवश रामा, सो की मान अब परम सिखावा। धन्य धन्य ते धन्य विभीषण, भयं तात निश्चर कुलभूषण। हे तात, हे पुत्र, हम अब काल के वशीभूत हो गए हैं, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा सही गलत क्या है। जो हमारा मन कर रहा है वो हम कर रहे हैं, लेकिन तुमसे यह कहना चाहते हैं कि बचन कर्म मन कपट तजी, भजे हूं राम रणधीर, जाहु न निज पर सूझ मुही, भयं काल वशीभूत। वचन कर्म मन कपट तजी, मनसा वाचा कर्मणा, अपने भीतर के कपट को त्याग करके प्रभु श्री राम के सेवा में लगे रहना, उनका खूब भजन करना। तुम हमारे कुल के भूषण हो, श्रृंगार हो, गौरव हो, प्रभु श्री राम की खूब सेवा करना। देखो कितना अद्भुत ये विचार है ना, कि स्वयं युद्ध करने जा रहा है और अपने भाई से कह रहा है कि भगवान की सेवा करना। कुंभकर्ण को मालूम है कि असुर योनि में जो हमारा शरीर है उसमें भजन नहीं हो पाएगा, अच्छा है भगवान के हाथों मर जाएंगे, इस योनि से मुक्ति मिल जाएगी। रणभूमि में जाता है कुंभकर्ण, इतना पराक्रम के साथ युद्ध करता है, महाबलशाली है, सुग्रीव जी को, अंगद को अपने कांख में दबा देता है। ये लोग जैसे मौका पाते हैं उसका नाक और कान जोर से दांत से काटते हैं और एकदम छनमना करके अपने नाक कान को जैसे बचाने के लिए हाथ उठाता है, धीरे से सरक के निकल के भाग जाते हैं। थोड़े ही देर में कुंभकर्ण ने राम जी की सेना को पूरी तरह से तितर बितर कर दिया। कुंभकर्ण कपि फौज बिडारी, सुनि धाई रजनी चरधारी। थोड़े देर में अपनी पराक्रम से राम जी की सेना को तितर बितर कर दिया। ये सारा दृश्य देख रहे हैं प्रभु श्री राम, जब देख रहे हैं कि अब हमें खुद इसका सामना करना पड़ेगा, तब धनुष बाण लेकर के रणभूमि में भगवान स्वयं आते हैं। वो देखते हैं कुंभकर्ण एक बहुत बड़ा पर्वत लेकर के अपनी हाथों में और उठा के उसे राम जी की सेना पर फेंकने ही जा रहा था। अभी दूर से वो आ रहा था तब तक भगवान ने धनुष पर बाण चढ़ा के उसके उस हाथ को काट दिया। रुका नहीं, दूसरे हाथ से उठा करके दूसरे एक पर्वत को फेंकने की कोशिश करने ही जा रहा था, भगवान ने उसके दूसरे से हाथ को काट दिया। काटे भुजा सोह खल कैसा, पच्छहीन मंदर गिरी जैसा। जैसे बिना पंख का मदराचल पहाड़ हो, इस तरह का उसका शरीर दिख रहा था। एक और बाण छोड़ते हैं, भगवान उसका सिर काटते हैं और वो बाण कुंभकर्ण के सिर को ले जाके रावण के सम्मुख रख देता है। जब रावण देखता है कुंभकर्ण को इस हाल में, बहुत रुदन करता है। रावण का पुत्र मेघनाद कहता है, पिताश्री आप चिंतित मत हो, हम स्वयं राम के सेना का सामना करेंगे और आपको विजय दिलाएंगे। मेघनाद
अगले दिन रणभूमि में आता है पूरे पराक्रम के साथ, राम जी की सेना का सामना करता है, युद्ध करता है। मेघनाथ ने लक्ष्मण जी को शक्ति बाण मारा था, तो लक्ष्मण जी कहते भैया इसने हमको मारा था ना, इसको हम ही मारेंगे, ठीक है। प्रभु श्री राम से अनुमति लेकर के, धनुष बाण लेकर के मेघनाथ से लक्ष्मण भैया युद्ध करते हैं। बहुत देर तक युद्ध करते हैं और फिर अंत में अपने धनुष पर बाण चढ़ा के लक्ष्मण जी मेघनाथ का वध कर देते हैं। जब वो मरता है तो लक्ष्मण राम राम राम, वो देख नहीं पाता है कि कहां है लक्ष्मण मरते समय, तो उन्हें याद करता है। याद किस लिए करता है? भक्ति के कारण नहीं, प्रहार करने के लिए, कि चलते चलते भी कुछ प्रहार कर दें। लेकिन सब लोग कहते हैं राम जी की सेना के लोग कि देखो इसका भाग्य कितना अच्छा है कि मरते समय लक्ष्मण राम का नाम इसके मुख में आ गया, और उसके भाग्य को सराहते हैं, मेघनाथ का वध हो जाता है। रावण के सेना के जितने बड़े बड़े योद्धा हैं करीब करीब सारे मारे जा चुके हैं। अब अंत में रावण स्वयं अगले दिन युद्ध करने के लिए रणभूमि में रथ पर सवार होकर आता है। विभीषण जी राम जी को देखते हैं और कहते हैं कि हे प्रभु इसे कैसे जीतेंगे, ये ऊंचाई से रथ पर सवार होकर प्रहार करेगा और आप नीचे से उस पर वार करेंगे। भगवान श्री राम कहते हैं हे विभीषण, ये बाह्य रथ पर बैठा हुआ है लेकिन इसके अलावा एक आंतरिक रथ भी हम सबके जीवन में हम सबको मिला हुआ है। अगर हमारा आंतरिक रथ मजबूत है तो केवल रणभूमि में ही नहीं इस जीवन के समर में हम सब विजयी होंगे। वो आंतरिक रथ क्या है भगवान श्री राम बहुत सुंदर ढंग से रूपक के माध्यम से समझाए हैं। ये प्रसंग साधक के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। सौरज धीरा जा तेहि रथ चाका, सत्य शीला दृढ़ ध्वजा पताका, बल विवेक दम परहित घोरे, क्षमा कृपा समधार दुजोरे, ईस भजनु सारथी सुजाना, बीरति चर्म संतोष कृपाना, दान परसु बुद्धि शक्ति प्रचंडा, पर भी ज्ञान कठिन को दंडा। अमल अचल मन त्रोण समाना, समजमनिया मसिली मुख नाना, कवच अभेद विप्र गुर पूजा, एहि सम विजय उपायन दूजा, सखा धर्म में असरथ जाके, जीतन गहनक तहु रिपुता के। I'm a
राम 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 जय सिया 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 राम सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय। भगवान श्री राम यहाँ बताते हैं, सौरज धीरज तहिरथ चाका सत्य शील दृढ़ ध्वजा पताका। सौर्य और धैर्य उस रथ के पहिए हैं चक्के, सत्य शील दृढ़ ध्वजा पताका है। सत्य जैसा सुना, जैसा देखा, जैसे अनुभव किया वैसा ही बोलना, और शील मतलब होता है सदाचार। अब इन शब्दों का व्याख्या करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो दो रथ में चक्के होते हैं, वो चक्के कौन कौन से? शौर्य और धैर्य। धैर्य सबको मालूम है ना, जब विषम परिस्थिति हो हम सबके जीवन में, कुछ समझ में ना आ रहा हो, ऐसा लग रहा हो कि मेरा सब कुछ खत्म हो रहा है, उस समय भी खुद को मजबूती से टिकाए रखना। संघर्ष की जो पराकाष्ठा है ना, प्रतिकूल परिस्थिति होने पर, उस स्थिति का नाम है धैर्य। बल विवेक दम, बल विवेक और दम। दम मतलब होता है इंद्रियों को नियंत्रण में रखना। बल शारीरिक बल, मानसिक बल। विवेक, दो रास्ते हैं, एक गलत एक सही। हमें मालूम है गलत पे जाएंगे हमारे जीवन का अहित होगा, सही पे जाएंगे तो जीवन का उन्नयन होगा, उत्कर्ष होगा। गलत पे जा रहे हैं तुरंत सब कुछ मिल जाएगा, सही पे जाएंगे थोड़ा संघर्ष करना पड़ेगा। ये सब जानने के बाद सही रास्ते को चुनने का सामर्थ्य है विवेक। हाँ, ये तो सांसारिक विवेक की बात हो गई। आध्यात्मिक विवेक क्या है? जब हम देख रहे हैं संसार की हर चीजें सरक रही है, धीरे 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 खराब हो रही है, फिर उन्हीं चीजों के पीछे हम भागेंगे, क्या फायदा होगा? उन चीजों के पीछे भागिए जो एक बार मिल जाए तो किसी और चीज की जरूरत ही नहीं रह जाती। जब एक बार हमको अपने आत्म लाभ का सुख मिल जाता है, अनुभव हो जाता है ना, तो संसार के विषय वस्तुओं में हम नहीं चिपकते। जब तक हमें यह अनुभव नहीं होता है तब तक हम चीजों के पीछे भागते रहते हैं, लोगों के पीछे भागते रहते हैं। बल विवेक दम, अपने इंद्रियों पर नियंत्रण करना। जब मन में गुस्सा है, तीन बार समझा चुके हैं, अब की बार गलती के पटक के कूटेंगे, तो ये कूटने से बच जाना। याद रखिए, जितने कमजोर लोग होते हैं उतने लोग उकसाते हैं, कूटो भैया कूटो, कूट के दिखा दो। और आप अपना बल वहां पे दिखा दिए और धीरे से गया थाने में, कहा साहब बड़ी मार मारे हमको, केस दर्ज हो गया, अब झूलते रहे। वो वीर नहीं है जिसने कूट दिया, वो वीर है कि उकसाने के बाद भी जिसने अपने आप को कंट्रोल किया। और कूटना है तो शरीर से मत कूटो, ऐसे कूटो कि किसी को कोई निशान ही ना मिले। नरम नरम रसरी में बांध के दो दिन बिना खाए पिए रख दो, ठीक है? तो नहीं कह पाएंगे थाने में जाके साहब हमके जो ने कूटे थे, मेडिकल रिपोर्ट आएगा तो पता चलेगा उपवास थे दो दिन निराजल। क्या क्या सिखा रहे हैं हम, बताओ। इन्हीं कुछ दुष्ट लोग होते हैं, उनको कितना भी प्यार से समझाओ समझते नहीं है, तो कूट तो सकते नहीं, संविधान आपको अपराध की श्रेणी में रख देगा। बस भगवान इतना बल दे कि उनको हॉल में रस्सी बांध के टांग दो। बल विवेक दम परहित घोरे, ये घोड़े हैं जो रथ से जुते होते हैं। हंसी मजाक में मूल बात भूलना नहीं है। हाँ,
घोड़े क्या है? बल है, विवेक है और दम है, इंद्रिय निग्रह। क्षमा कृपा समता रज जोरे, क्षमा कृपा और समता, क्षमा क्या आप इस पर प्रवचन करना, कृपा कृपा समझ लीजिए। कृपा उसे कहते हैं कि बिना किसी कुछ चाह के हम किसी की सहायता करें। असली कृपा केवल परब्रह्म परमात्मा करते हैं हम सबके ऊपर, मनुष्य कृपा नहीं कर पाता, भाव में आगे कर देता है, बाद में कई बार पछताता, बताओ 10,000 रुपए हमने दान कर दिया, पगला गए थे हम, देखा लोग 12,000 कर रहे थे, 8,000 कर रहे थे, हम कहे थोड़ा हम भी अच्छे से कर देते हैं। दान करने बाद अगर आदमी को पश्चाताप हो रहा है, समझिए वो गलत कर दिया। और दूसरा किसी की सहायता करते हैं, बाद में उसको बताते हैं, देखो हमने तुम्हारे लिए ये किया ये किया किया, उसको नीचा दिखाते हैं, ये हम सबकी कमजोरी है। मौका ढूंढ के ये काम हम लोग कर ही लेते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। क्षमा कृपा समता, समान दृष्टि रखना है। अपना भाई है या चचेरा भाई है, अपना बेटा है या भाई का बेटा है, सबके साथ समभाव रखना है। इतना ही नहीं, जगत के हर व्यक्ति के साथ समभाव रखना है, किसी के साथ वैर भाव नहीं रखना है। ये क्षमा कृपा समता, ये तीन प्रकार के जो स्वभाव में हमारी योग्यता है ना, ये रस्सी है जिससे आंतरिक रथ के घोड़े जुते होते हैं। इस भजन सारथी सुजाना, ध्यान से सुनिए, ईश्वर का भजन सुंदर सारथी के समान हमारे जीवन में कार्य करता। किकर फोन बजता, तुरंत उठाओ, अगर बज रहा जल्दी से उठाइए, टूं टूं कर रहा है। इस भजन सारथी सुजाना, बीरति चर्म संतोष कृपाना। वैराग्य चर्म का ढाल की तरह होता है और संतोष कृपाण की तरह। हम कहां फंस जाते हैं, कहां फंसते हैं, लालच में फंसते हैं। पढ़ लिख करके उसके बाद एक अच्छी सी नौकरी मिल गई, अब वहां सैलरी 50,000 मिल रहा है, लेकिन 10,000 घूस के चक्कर में एंटी करप्शन वाले ले गए, बदनामी अलग और नौकरी का जो जॉब प्रोफाइल है वो खराब हुआ अलग। और घूस पे तो लंबी कार्रवाई भी होती होगी ना, निकाल दिए गए तो सत्यानाश जीवन भर। इस भजन सारथी सुजाना, विरति चर्म संतोष कृपाना। जिसके भीतर वैराग्य है, वो वैराग्य रूपी ढाल से ना प्रलोभन के वार को हम पीछे कर पाते हैं, खुद को बचा पाते हैं। जिसके भीतर संतोष है, उस संतोष से ना उन प्रलोभन को काट देता है। नहीं चाहिए मुझे तुम्हारा दिया हुआ कुछ भी, हम जितने में होते हैं खुश हैं। जो व्यक्ति इस प्रवृत्ति का होता है उसको दुनिया में कोई कमजोर नहीं कर पाता। और जो लालची होता है ना, उसको लोग थोड़ा थोड़ा दे दे के उसके स्वाभिमान को रौंदते रहते हैं। अपने परिश्रम से जो कुछ मिले उसमें खुश रहना है, दूसरे के उपकार में नहीं जीवन जीना है। हम जब जीवन शुरू किए थे, साधु जीवन, वैरागी जीवन, हम सोचे थे ये भिक्षा मांग करके, चंदा मांग करके जिंदगी नहीं जीनी है। भैया गौशाला के लिए दे दो, भैया इसके लिए दे दो, भैया कमरा बनाना उसके लिए दे दो, नहीं कभी मांग। लेकिन पता चला पढ़े लिखे नहीं है, 2 दिन में मांगते रहेंगे, जीवन में मांगते रहेंगे, महीने खर्चा दो, महीने खर्चा दो। लेकिन अगर पढ़े लिखे शिक्षित हैं तो आप समाज के लिए उपयोगी बने रहेंगे, उपयोगी बने रहेंगे तो समाज आपकी जरूरत का ध्यान रखेगा। लेकिन समाज बहुत निकृष्ट है। हाँ, जब हम पहले कथा सुनाने जाते थे, सब गवाह हैं, एक पैसा किसी से दक्षिणा नहीं मांगते थे। लेकिन हालत ये हुआ कि लोग इतने बुद्धिहीन विवेकहीन व्यवहार किए कि किराया भाड़ा तक हमारा ठीक से नहीं दिए। हाँ, अब स्लीपर में तो नहीं यात्रा कर सकता ना आदमी, 40 घंटे 45 घंटे का, 30 घंटे का। अब कथा वथा हो गई, 5,000 रुपये लिफाफा में डाल के दे दिए। हाँ, किराया खर्च हुआ है 7,000, 8,000, 10,000 रुपये। हाँ, पहले तो हम बस में चलते थे बहुत ज़्यादा, अभी भी चल लेते हैं, कोई गरीब श्रोता रहता आयोजक रहता तो झेल लेते हैं उसके लिए। हाँ, कानपुर में हम कथा करने आए थे, शाम को रात को 4 बजे बस उतरा, ट्रेन से उतरे, आयोजक को हमने परेशान नहीं किया कि कार भेजो, वो कहे थे हम लेकिन लेने चले आएंगे। बस अड्डे गए, बस में बैठे और 100 रुपये उनके घर पहुंच गए।
जितना हम कर सकते सहयोग आज भी करते हैं, करेंगे। कोई कथा कराने चाहता है, शुद्ध अंतकरण से हमारे सामने आ जाए, अगर हमारे पास 10-20 हजार रुपया है, 50 हजार है, हम उसको दे देंगे, कराओ कथा। लेकिन जितने चतुर लोग होते हैं इनका मन का गटई बांध दे हम, बहुत चतुर लोग होते हैं दुनिया में, इतने इतने आयोजक हमको मिले हैं महापुरुष लोग, हम इसे बता रहे स्वामी 1.5 लाख रुपया बचा हुआ है चंदा का। हम कहते तब क्या करना है, वह अगले साल काम आएगा, सब मर गया अगले साल तुम्हारे गांव में, अगले साल नहीं देंगे लोग। क्यों बचाना, जिस प्रयोजन के लिए आपने धन लिया है उसमें पूरा का पूरा खर्च करिए, उस आयोजन को और अच्छा बनाइए, अगले साल फिर कुछ होगा तो लोग देंगे दान। दान तो हर साल इकट्ठा करने वाली चीज है, लेकिन नहीं, हम इसे बताएंगे चलते समय। जब देखी सब वहां से बहुत गड़बड़ झाला हो रहा है, तो फाइनली हमने कहा कि अब तो पैसा लेंगे। हाँ, इतना उपकार, अभी हमको हार्ट अटैक हो जाए, कोई किडनी खराब हो जाए, कोई तकलीफ हो जाए, कोई नहीं कहेगा कि हम 10 लाख दे थे काम कर लीजिए। बड़े बाबा तो नहीं है, छोटे बाबा भी ना, तो अपना फ्यूचर सिक्योरिटी के हिसाब से कुछ रखना चाहिए हर व्यक्ति को। ये बात बुद्धि कौन समझा, आप ही लोग समझाए हैं। प्रवीण भैया कह रहे थे इतने में काम नहीं चलेगा और चार्ज बढ़ाइए, हम कह नहीं अभी साल भर इतने चलेगा। ठीक है, कंडीशन होता है, लेकिन कंडीशन को यूनिवर्सल लॉ की तरह नहीं होता है, आपकी पात्रता के हिसाब से कंडीशन फ्लेक्सिबल रहता है। कुल मिला के आदमी का हृदय साफ है। गुंडा में एक जगह कथा करने आए थे, साउंड बहुत खराब था, हमने सबके सामने बोला था 10 हजार रुपया हम दे रहे हैं, 15 हजार लगाओ, 25 हजार में साउंड आ जाएगा, 5 दिन कथा बचा हुआ है, निपट जाएगा अच्छे से। वो सब नहीं तैयार हुए, अगले दिन हम पैक किए, हमें सीताराम चल रही है, अयोध्या गए आनंद से भगवान के मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में, खूब मौज की। इमोशनल ब्लैकमेल, रिलीजियस ब्लैकमेल, ऐसा थोड़ी ना होगा, भक्ति के नाम पे आप हमारा शोषण करेंगे, दोहन करेंगे और हम मुंह बाके से भगवान की भक्ति, तो हम अपने घर में भक्ति नहीं करेंगे। हाँ, ये भीड़ में आए हैं तो भीड़ के कम्युनिकेशन के लिए संसाधन चाहिए, बिना माइक की कथा नहीं हो सकती, और अच्छी माइक नहीं है तो नहीं हो सकती। अच्छा, कहना ये चाहते थे अच्छा के बाद कि लोग हमसे कहते कथा छोड़ दिए, कथा बंद कर दिए, ये तो बहुत बड़ा पाप है। हम कहे पाप हमको नहीं लगेगा, ये पाप उस व्यक्ति को लगेगा जिसने जिम्मेदारी का निर्वाह नहीं किया है, और हमारी भक्ति हमारी कुटिया में बहुत अच्छे से हो जाएगी। 3 महीना छुट्टी है, पता है छोटी बात आई, फोन आया कथा करना, हम कम 3 महीने की छुट्टी पे भड़क गया। साधु लोग छुट्टी पे कहा जाते हैं, हमें तो यार नौकर है, हम हमारी अपनी जिंदगी है, हम कैसे जिएंगे हम तय करेंगे। हाँ, तो उसको लगा, कह रहे आप फ्रस्ट्रेटेड है, डिप्रेस है। अच्छा, अब तुम ज्यादा ही बोल रहे हो, रखो फोन सीताराम। हम बोले कौन सी कथा सुननी है, बोला भागवत कथा, आपके भागवत ही सुनाते। भागवत कथा सुनाते थे, इन सबके साथ गए थे, एक आयोजक हमारा बोल रहा है हम अपने लिए नहीं खड़ा रहे, गांव वालों के लिए खड़ा रहे हैं। धन्य हमारे परम दुर्भाग्य प्रकट हुआ है, कराने वाले कह रहा है अरे कथा कथा अपने लिए ही होता है, दुनिया के लोग सुने तो उनका सौभाग्य, अब कराने वाला कह दे कि हम अपने लिए नहीं करा रहे, हमारे पास टाइम नहीं है, बैठ के फोन बतिया है। वो कहते आप इतने कठोर हैं, कठोर कठोरता इसलिए आती है कि जब आप विनम्र होते हो, सरल होते हो, लोग उसका दुरुपयोग करते हैं, फिर आप क्रूर हो जाते हो, विचारों में क्रूरता आ जाती है। इस भजनु सारथी सुजाना, बिरति चर्म संतोष कृपाना। संतोष रहना चाहिए, वो कृपाण की तरह होता है। दान परस बुद्धि शक्ति प्रचंडा, दान जो है फरसे के समान होता है, हमारे पापों के वेग को कम करता है। जैसे किसी ने कोई अनजाने में पाप कर दिया है तो उसका फल तो उसको मिलेगा, लेकिन अगर साथ ही साथ कुछ अच्छा कर्म किया है तो अच्छे कर्म से, अच्छे कर्म के प्रभाव से पाप का वेग वही रहेगा पर उसको सहने की सामर्थ्य बढ़ जाएगी। बहुत सावधानी से बात समझिएगा,
सहने का सामर्थ्य बढ़ जाएगा। जब बीमारी होती है ना तो आदमी एकदम से बैटरी की तरह डिस्चार्ज हो जाता है, लेकिन दवाई क्या करती है उसको सस्टेनेबल बना देता है, सर्वाइव करने की क्षमता देता है, नहीं तो आदमी खत्म हो जाए थोड़ी देर में। तो पुण्य कर्म जो है, दान जो है, हमको और अंदर से मजबूत देता है, वो एंटीबायोटिक की तरह से समझ लीजिए, और दूसरा इम्यून बूस्टर की तरह, इम्यून सिस्टम की तरह काम करता है। अब दान करिएगा आप लोग, ठीक है। हम पहले दिन बोले हैं दान करने के लिए, दान कहाँ करना है, जहाँ कोई पात्र व्यक्ति दिखे, जरूरतमंद व्यक्ति दिखे, ठीक है। और हम भी बहुत अभी जरूरतमंद हैं, हाँ। तो आप लोग हमारा नंबर रख लीजिएगा, और जो सामर्थ्यवान है 100 रुपया 50 रुपया गूगल पे कर दिया करिएगा, ठीक है। ज्यादा नहीं, मजाक नहीं कर रहा हूँ, सच में। अभी मुझे और पढ़ाई करने जाना है, सोच रहा हूँ लोनावाला जाएं तो एक कोर्स करना है जिसमें 60,000 फीस लगेगी, एक महीने का कोर्स है। बीच में पढ़ने से आदमी का सामर्थ्य मेंटेन रहता है, और पढ़ाई छोड़ के खाली ज्ञान देने का ठेका जब ले लेता है तो फिर चौपट हो जाता है, कॉपी पेस्ट, कुछ एड ऑन कर ही नहीं रहे। तो आपको नया देने के लिए हमको पढ़ना पड़ेगा, तो नया पढ़ाई पे खर्चा आएगा, ठीक है। जब खर्चा में आप लोग सपोर्ट करोगे तब आगे फिर पढ़ाएंगे। हमने 2013 में डिप्लोमा इन योगा किया, 9 मंथ का योग कोर्स, उसमें आसन प्राणायाम सब सीखा, पर उसको मैंने प्रोफेशनल योगा टीचर की तरह इनकॉर्पोरेट नहीं किया। लेकिन अब लग रहा है कि योग ऐसा है कि भक्ति के साथ जुड़ जाए ना तो बहुत बहुत हित करेगा आत्मा के शोधन में, ध्यान के प्रगति में। तो अगस्त सितंबर में जाएंगे। दान परस बुद्धि शक्ति प्रचंडा, बर विज्ञान कठिन को डंडा। श्रेष्ठ विज्ञान है धनुष की तरह है, अमल अचल मन त्रोण समाना, सम जम नियम सिली मुखनाना। अमल मतलब निर्मल मन, अचल मतलब जो कभी हिलता डुलता नहीं है, स्थिर मन, ये त्रोण के समान है। त्रोण क्या होता है, जिसमें बाण रखा जाता है। सम जम नियम सिली मुखनाना, ये सम जम नियम ये उस त्रोण में रखे हुए बाण है। अब सम जम नियम आ गया ना, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब समझने के लिए आपको योग दर्शन पढ़ना पड़ेगा। अभी दम आता इंद्रिय निग्रह आया था, ऊपर एक दम शब्द आया था, शम मतलब था मनोनिग्रह। मन में भी एक ख्याल नहीं आना चाहिए कि हम इनके कूटक, समझ में आया। ये सब शब्द बड़े खराब है, माध्यमा में आ गए हैं, हाँ, क्योंकि लोग जब गलती करते तो बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो ये मन में भी ख्याल नहीं आना चाहिए हम कुछ ऐसा करेंगे। जब मन में ख्याल आता है फिर इंद्रिय उसको रिएक्ट करती है। अब कल्पना करो मन में ही थॉट ना आए तो इंद्रिय चुपचाप शांति से बैठी रहेगी। ये दो ही लोग कर सकते हैं, या तो सिद्ध अने तो बेहया। बेहया समझते हैं, हाँ। आग लगे बस्ती में, मस्त रहो मस्ती में, ये केवल बाबा सिद्ध जो होगा वो कर सकता है। और जिसको दुनिया की कोई फिक्र ना हो, घर में मातम पड़ा है, बैठ के खाना खा रहा है, आनंद से टीवी देख रहे हैं, कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है। तो खाली अज्ञानी और सिद्ध की स्थिति है कि बाहर की परिस्थिति से स्वयं को प्रभावित रखे। सम जम नियम सिली मुख नाना, इसमें आया है यम और नियम, ये योग सूत्र के दो अंग है। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, अष्टांग योग कहा जाता है। अभी चूंकि यहां दो चीज आया तो दो की बात कर लेते हैं। यम अहिंसा सत्य स्थेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह, ये यम है। सूक्ष्म व्यवहार अहिंसा, समझ में आ रहा है ना, डिटेल में नहीं जाएंगे। सत्य जो देखा सुना जस का तस बोलना, अहिंसा सत्य स्थेय, स्थेय बहुत बढ़िया चीज है। मन में भी किसी की वस्तु देख अगर कामना आ गई कि काश से मेरे पास होता या दीदी हमको दे देती, ये चोरी कहा जाता है। सामान किसी का लेके जेब में रख लेना वो चोरी नहीं है, वो तो महाचोरी है। मन में डिजायर कर लेना भी चोरी है,
अहिंसा सत्य स्थे ब्रह्मचर्य स्थूल और सूक्ष्म मानसिक और शारीरिक रूप से अपने आप को ब्रह्मचर्य में स्थिर रखना और स्पेशली ब्रह्म भाव अपने भीतर बना के रखना, स्थूल हमेशा नहीं लेकिन मानसिक तौर पर ब्रह्म भाव में ब्रह्म चिंतन में लगे रहना। अहिंसा सत्य स्थे ब्रह्मचर्य अपरिग्रह, हम दुनिया भर की चीजों को इकट्ठा करते रहते हैं, सबके घर में दो चार फालतू जूते पड़े होंगे जिसको कई महीनों से आप पहने नहीं होंगे फिर भी रैक में सजा के रखे हैं, मरते समय हम लोग लेके जाएंगे। अगर आपका मन उब गया है तो किसी अपने आसपास के जरूरतमंद व्यक्ति को दान करिए, कपड़े का भी यही करिए, जो चीज हमारे पास अनुपयोगी है हमारे काम का नहीं रह गया हमारा मन नहीं लग दे दीजिए दूसरे को, काम करेंगे लोग, हाँ इस्तेमाल करेंगे। तो ये यम हो गया नियम, शौच संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान। शौच बाह्य और अभ्यंतर, बाहर भी शुद्ध रहना और अपने अंतःकरण को भी शुद्ध रखना है। शौच संतोष, हाँ संतोष तो ऊपर आया आया ही था। शौच संतोष तप, तपो द्वंद सहनम, तप की सबसे अच्छी स्थिति क्या है, जब हमारे सामने द्वंद है उसमें हम संभाव में बने रहे, गर्मी में गर्मी सहना ठंडी में ठंडी सहना तप का ये भी स्वभाव है, ये भी एक स्वरूप है। आपने देखा हो कुछ महात्मा साधु तपस्वी पंचाग्नि तप करते हैं, खूब चिलचिलाती धूप में चारों तरफ आग लगा देते हैं, बीच में बैठे रहते हैं, या फिर ठंडी के मौसम में ठंडे पानी में डूबे पड़े रहते हैं, ये शारीरिक तप है, इससे सिद्धि नहीं मिलने वाली है। लेकिन जब शरीर कहता है ये चाहिए चाहिए तो तपस्वी कहता है हाँ दे रहे हैं तुमको, तुमको इतना रगड़ेंगे तुम चिल्लाना बंद कर दो। कभी आप लोग कसौल जाइएगा, मणिकर्ण नाम का एक जगह है कुल्लू मनाली कुल्लू के जिले में, वहां ना एक उबलता हुआ पानी का कुंड है, उबलता रहता है, उसमें चावल सब पक जाता है, अपनी आंखों देखी बात बता रहे हैं। और रासायनिक तत्व है क्या है वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी रखिए तो उसमें कोई दोष नहीं है, ठीक है ना, लेकिन पानी बहुत गर्म रहता है और पानी सब एक जगह स्टोर होता है जहाँ पे नहाने का प्रबंध है, स्त्रियों के लिए अलग पुरुषों के लिए अलग, जब आप उसमें उतरेंगे ना लगा चम्मच से जल जाएगा, जैसे आप डुबकी लगाए एकदम टेम्परेचर मेंटेन हो जाएगा। ये बात हम इसलिए बताए हैं कि पानी में उतरते समय तो आपको लगेगा जल जा रहा है स्किन, लेकिन जब उसमें चले गए तो मेंटेन हो जाएगा। तो बाहर का जो तप है वो हमारे मन को लचीला बनाता है। शौच संतोष तप हो गया, स्वाध्याय बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, हर दिन वेद उपनिषद रामायण के कुछ श्लोकों को पढ़िए, उस पर विचार करिए, और जब समझ में ना आए हमारे जैसा आपका कोई दोस्त है तो उसको पकड़ के उसका सर खाइए, हाँ बाबू पढ़े हो तो कुछ बताओ हमको कंफ्यूजन है, दूर करिए, हाँ थोड़ी फीस उस भी दे दिया करिए क्योंकि आजकल फ्री में कोई सेवा नहीं देता है, लालच से ही कुछ आपकी मदद कर देंगे, मैं बहुत प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ, हाँ ऐसे खाली फोन लेके हाल चाल करेंगे तो कहेगा अभी बिजी है, उसको 50 रुपये गूगल पे करिए 100 रुपये करिए, देखो दक्षिणा दे दी है अब चुपचाप हमको बता दो। उपयोगवादी जीवन चल रहा है ना भाई, समस्या आइए आप कंपनी में पैसा कमा रहे हैं वो बेचारा पढ़ाई कर रहा है, गिव एंड टेक करिएगा तो काम चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा। शौच संतोष तप स्वाध्याय, अपना भी अध्ययन करना, सुबह से शाम तक जो जो हम कर रहे हैं हमारे मन पर उसका असर क्या हो रहा है, अगर अच्छा असर हो रहा है उसको बढ़ाइए और गलत असर हो रहा है उसको जीवन से हटाइए, चाहे वो व्यक्ति हो चाहे वस्तु हो चाहे परिस्थिति हो। शौच संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान, योग सूत्र में जो ईश्वर प्रणिधान कहा गया है उसका फल ये समाधि सिद्धिर भवति, इसका मतलब है अपने प्राणों के आवागमन के साथ हर श्वास में परमात्मा कैसे नाम रख लीजिए कि एक समय ऐसी स्थिति आ जाए कि आप प्रयत्न पूर्वक नहीं सहज ही भगवान के नाम का सुमिरन करने लगे। तो यम नियम हो गया, शौच संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान, यम नियम हो गया, चलिए समझ लीजिए यम नियम, आसन
शारीरिक रूप से जो तोड़ मोड़ के आसन करते हैं ना वो आसन, और प्लस एक ऐसा आसन जिसमें पद्मासन लगा के सुखासन लगा के एकदम एकाग्र होकर के आप बैठ रहे हैं। जब 3 घंटा कोई बिना हिले डुले बैठा रह पाने में सक्षम हो जाता है तब वो एक उच्च स्थिति ध्यान की प्राप्त कर सकता है। तो उसके लिए हर दिन 5 मिनट, फिर दूसरे 6 मिनट, फिर 7 मिनट, फिर 8 मिनट, फिर 9 मिनट, हमेशा एक एक दो दो मिनट बढ़ाना है, कम नहीं करना है। यम नियम आसन प्राणायाम, अपने श्वास को अलग अलग प्राणायाम की प्रक्रिया है। सामान्य इसका अर्थ यह है कि श्वासों के आवृत्ति को लंबा करना। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार, जो हमारी इंद्रियां बार बार विषय देश में जा रही है उसको खींच के लाना। आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा, एक बाह्य देश में या अंतर देश में अपने मन को एकाग्र करना। ध्यान, जब वो एकाग्रता प्राप्त हो जाती तब ध्यान की स्थिति शुरू होती है। फिर यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान, जब ध्यान होता है फिर उसके बाद अपने आप समाधि की उपलब्धि होती है। समाधि लगाया नहीं जाता, समाधि की स्थिति प्राप्त होती है। ठीक है, ये पढ़े हैं तो बता रहे हैं, ठीक है, नहीं पढ़े होते तो ये सब शब्दार्थ बोल के निकल लेते आगे। कवच अभेद विप्र गुरु पूजा, यही सम विजय उपाय न दूजा। ब्राह्मण और गुरुदेव की जो सेवा करते हैं, उनका पूजा करते हैं, उनका जो भी आदर करते हैं, उसे जो ब्लेसिंग मिलता है, आशीर्वाद मिलता है, वो हम सबके जीवन में एक अदृश्य सुरक्षा कवच की तरह काम आता है। ये आशीर्वाद को हल्के में मत लीजिएगा। किसी की आत्मा हमारे व्यवहार से प्रसन्न रहेगी और वो हमें खुश रहो ऐसा बोलेगा तो उसके भीतर कोई और थोड़े ना, परब्रह्म ही तो है, परमात्मा ही तो है, उन्हीं से वो मिल रहा है ना, और उनका दिया हुआ आशीर्वाद निष्फल होगा नहीं, फलदायी होगा। भगवान कहते हैं कवच अभेद विप्र गुरु पूजा एहि सम विजय उपाय न दूजा। यह विजय प्राप्त करने का सबसे सुंदर उपाय है। स्थूल रथ पे बैठ करके कोई युद्ध करके जीत लेगा ऐसा नहीं संभव है। सखा धर्म में असरथ जाके, जीतन कहन कतहु रिपुता के। जिसके जीवन में ऐसा रथ होता है वह निश्चित ही युद्ध में विजयी होता है। ये सारी बातें इस भाव से हम आपको बताएं कि हमारा जो साधक वाला प्रयास है उसमें हमारी स्थिति उत्तम बने, प्रगति हो। रावण को तो दो मिनट में कथा के अंदर मार दिया जाएगा। हाँ, ये सब समझना आवश्यक, इसलिए इस पर थोड़ा समय दिया जा रहा है। राम जी और रावण आमने सामने हैं। रावण कहता है आज पता चलेगा कि किसी योद्धा से आपका सामना हुआ है। कहता है रावण आज हम तुम्हें काल के हवाले करेंगे। राम, भगवान राम यहां बहुत सुंदर बात कहते हैं। जनी जल्पना करी सुज सुना सही, नीति करही सुनही क्षमा। जनी जल्पना करी सुज सुना सही, नीति करही सुनही क्षमा। जनी जल्पना करी सुज सुना, संसार महापुरुष त्रिविध पाटल रसाल पनस समा। एक सुमन प्रद एक सुमन फल, एक फल केवल लागही, एक कहीं कहीं करही अपर, एक करही कह धन बागई, एक करही कह धन बागई। भगवान राम कहते हैं संसार में 3 ऐसी चीज होते हैं जो तीनों एक दूसरे से भिन्न होते हैं, और उन तीनों की तरह लोग होते हैं।
एक होता है गुलाब का फूल, वो खाली फूल देता है, फल नहीं देता है। ऐसे एक व्यक्ति होता है जो खाली कहता है, करता कुछ नहीं है। दूसरा होता है आम की तरह, जैसे आम में मऊ ढेर सारा आता है, कल्पना करिए जितना मऊ आता है, सब अगर फल जाए सारी टूट जाएगी, इतना ढेर सारा मऊ आता है, थोड़ा सा फल आता है। लेकिन कटहर भैया फूल आता ही नहीं है, माझम माझम फल आता है, कहां कहां से फल देगा पता ही नहीं चलेगा, पता चला शोर के अंदर जमीन में ही फल दिया हुआ है, कोई गया घूमते घामते बस धस गया पैर उसका, दिख रहा है पौधे कटहल पक के तैयार हो गया। तो एक व्यक्ति होता है जो थोड़ा सा करता है लेकिन कहता बहुत है। और सबसे उत्तम होता है वो होता है बड़ी बड़ी बातें नहीं फेंकता है, जब उसे अवसर मिलता है जितना उसका सामर्थ्य होता है उतना वो करता है, अच्छा कार्य सेवा का, परोपकार का, सहायता का। बहुत नाराज होता है, कहता है हमको ज्ञान की बात सिखा रहे हो, भगवान धनुष पर बाण चढ़ा करके छोड़ते हैं, जो उसके साथ सहयोगी रावण के असुर हैं उन सबको मारते हैं, रावण के सर को बार बार काटते हैं, बार बार काटते हैं। उसका कारण यह है कि रावण ने अपने हृदय में जानकी मैया को ध्यान में स्थिर कर लिया है। जानकी मैया के हृदय में प्रभु राम है, उनके हृदय में पूरा ब्रह्मांड है। भगवान विचार करते अगर हमने इसको मारा तो बाण जानकी को भी लगेगा, फिर हमें लगेगा, पूरे ब्रह्मांड को आघात पहुंचेगा। बार बार काट रहे हैं उसके सर को, वो एकदम प्रभाव से सर के कटने से उसका ध्यान छूट जाता है, और फिर भगवान धनुष पर बाण चढ़ा के खैचि सरासन श्रवण लगी छाड़े सर 31 रघुनायक सायक चले मानहु काल फडीस। एक बाण छोड़ते हैं वो 31 बाणों में विभक्त हो जाता है, 20 उसके हाथों को काट देता है, 10 उसके सर को, और 1 जो है उसके नाभि में जा करके जो अमृत है उसको अवशोषित कर लेता है। उसके मुख्य मस्तक को ले जाके भगवान राम का बाण मंदोदरी के सम्मुख रखता है, मंदोदरी देखती है, दुख तो होता है कि मेरा जीवन साथी अब नहीं रहा, पर मन ही मन खुश होती है कि भगवान के हाथों मरा है तो ये मुक्त हो गया। मंदोदरी तिलांजलि देती है, भगवान श्री राम विभीषण का राज तिलक करते हैं और कहते हैं कि हे विभीषण शीघ्र सीता जी को ससम्मान लाया जाए। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय, राजा रामचंद्र भगवान की जय, राजा रामचंद्र भगवान की जय। जानकी मैया आती है, अब वहाँ बड़े बड़े वक्ता लोग अग्नि परीक्षा के बारे में बहुत सारी बातें करते हैं। सिंपल सी इतनी बात है कि जब वनवास शुरू हुआ था तो सीता मैया अपने असली स्वरूप को अग्नि में छुपा रखी थी। जब अग्नि प्रकट होता है तो जो अशोक वाटिका में स्थित सीता जी हैं, वो मायाकृत सीता अग्नि में जाके उसमें तिरोहित हो जाती हैं, और जो असली जानकी मैया हैं वो अग्नि से फिर बाहर आ जाती हैं। अब इसको लेकर के बहुत सारी बातें होती रहती हैं, जिसके पास जितनी समझ उतनी बात करेगा लोग। दशरथ जी आते हैं, बहुत प्रसन्न होते हैं, भगवान से पूछते हैं सब कैसे किया आपने, भगवान कहते हैं सब आपके पुण्य प्रताप के कारण संभव हुआ है। इंद्र आते हैं, कहते हैं भगवान को सेवा करने का अवसर दीजिए, भगवान कहते हैं अमृत की वर्षा कर दीजिए। अमृत की वर्षा होती है राम जी के जितने भी साथी उस रणभूमि में अपने प्राणों से अलग हुए थे, वो सब के सब फिर से जीवित हो जाते हैं। प्रभु श्री राम हनुमान जी से कहते हैं, हनुमान जी यथा शीघ्र आप अयोध्या पहुंचिए,
भरत बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे हमारा, अगर एक दिन भी विलंब होगा हम भरत से मिल नहीं पाएंगे। विभीषण से कहते हैं, विभीषण रावण ने कुबेर का पुष्पक विमान उनसे छीन करके अपने लंका में रखा है, कुछ समय के लिए हमें ये विमान चाहिए, अयोध्या पहुंच करके हम इसे लौटाएंगे और आप इसके स्वामी कुबेर तक इसे पहुंचा दीजिएगा। हनुमान जी ब्राह्मण का रूप लेकर के अयोध्या पहुंचते हैं, इधर भगवान श्री राम पुष्पक विमान में सवार हो जाते हैं। सबसे कहते हैं आप सब अपने अपने स्थान को प्रस्थान करें। सब उदास हो जाते, कहते भगवान ऐसा तो नहीं सोचा था, हम सोच रहे थे कि आपका राज तिलक होगा तो हम लोग उसमें शामिल होंगे, आनंदित होंगे, कितना अच्छा लगेगा हमको दृश्य देख करके कि हमारे प्रभु राजा बन रहे हैं, हम लोग जयकारा लगाएंगे सामने से। भगवान तो केवल भाव देखना चाहते थे, उनको भेजना नहीं चाहते थे, सबको अपने पुष्पक विमान में बिठा लेते हैं और अयोध्या के लिए प्रस्थान करते हैं। बोले राजा रामचंद्र भगवान की, आप सोच रहे हैं भजन आपको ना, भगवान अयोध्या पहुंच जाए, राजतिलक हो जाए, उसके बाद आपको भजन सुनाते हैं, या एक भजन सुन ही लीजिए। हाँ बहुत देर से भजन नहीं हो रहा है, तो भगवान अभी अयोध्या के लिए चल रहे हैं और हनुमान जी भी वहां पर पहुंचने वाले हैं, तब तक एक भजन सुन करके आगे की कथा में प्रवेश करेंगे। एरी सखी मंगल गाओ रही है, बहुत सुंदर भजन जी शाखा। चौक टीका लगाओ
से रंग मिले, नए नए ढंग मिले, खुशी आज द्वारे मेरे डाले है डेरा, खुशी आज द्वारे मेरे डाले है डेरा। पीहू पीहू पप्पी हार डे, कुहू कुहू कोयल जपे, पीहू पीहू पप्पी हार डे, कुहू कुहू कोयल जपे, आंगन आंगन है परियों ने घेरा, आंगन आंगन है परियों ने घेरा। अनहद नाद बजाओ रे सब मिल, अनहद नाद बजाओ रे सब मिल, आज मुने किया घर आवेंगे, आज मुने किया घर आवेंगे। श्यापति रामचंद्र भगवान बहुत सुंदर, बहुत सुंदर ये रचना है। हनुमान जी ब्राह्मण का रूप धारण करके अयोध्या जी पहुंचते हैं। उनके पहुंचने से पहले भरत जी अपने मन में अनेक प्रकार के विचार से खुद ही को आरोपित कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि भगवान को कोई लोभ लालच तो है नहीं, किस लिए अयोध्या आएंगे, हो सकता है प्रभु अयोध्या आने के बारे में अपना विचार बदल दिए हो। अनेक प्रकार का अपने भीतर दोष आरोपित करते हैं, कहते हैं लक्ष्मण बहुत भाग्यशाली है, भगवान की सेवा का उनको अवसर मिला, पर हम तो भगवान की सेवा से वंचित रह गए। राम विरह सागर महा भरत मगन मन होत, विप्र रूप धरि पवन सुत आई गयो जनपूत। राम जी के विरह रूपी समुद्र में भरत जी का मन डूब रहा था, उसी समय ब्राह्मण वेश में हनुमान जी का आगमन होता है। ऐसे जैसे डूबते हुए व्यक्ति को एक नई नैया मिल जाए, हनुमान जी देखते हैं दुर्बल शरीर जटाओं का मुकुट बनाए भरत जी राम 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 रट रहे हैं और उनके अश्रु लगातार निकलते जा रहे हैं, क्योंकि आज 14 वर्ष पूरा हुआ है, आज तो भगवान को आना ही चाहिए, भगवान क्यों विलंब कर रहे हैं। हनुमान जी देखते हैं भगवान के परम भक्त को, मन ही मन बहुत खुश होते हैं, कितना अच्छा इनका जीवन, इतना इनका भाव हो, पास जाते हैं, कहते हैं ये भरत जी जासु विरह
सोचहुं दिन राती रटहुं निरंतर गुण गन प्रतीक्षा में आप रुदन कर रहे हैं, प्रभु राम बहुत शीघ्र हम सबके बीच अयोध्या पधारने वाले हैं। जैसे ही खबर सुने भरत जी आनंद से झूम उठे हैं, पूछते आप कौन हैं, आपका परिचय क्या है। हनुमान जी अपना परिचय देते हैं, कहते हैं आज आपके दर्शन मात्र से हमारा सारा दुख दूर हो गया। यही संदेश सरिस जग नाही कर विचार देखे कछु नाही। जो आपने हमें संदेश दिया ना, ऐसे ही है कि किसी प्राणहीन को प्राण दे दिया। मैं बदले में कुछ देना भी चाहूं तो देने के लिए संसार में कुछ नहीं मिलेगा। भरत जी पूछते हैं कभी राम जी हमको याद करते हैं। हनुमान जी कहते हैं याद कभी भूलते नहीं आपको। राम प्राण प्रिय नाथ तुम सत्य बचन ममता, पुण्य पुण्य मिलत भरत सुनी हर्षन हृदय समात। हनुमान जी कहते हैं आप श्री राम जी को प्राण के समान प्रिय हैं, राम प्राण प्रिय, और ये बात हम सत्य कह रहे हैं। जैसे खबर माताओं को मिलता है माँ प्रसन्न हो जाती है, अयोध्या को फिर से सवारा जाता है, सजाया जाता है। भगवान के आने से पहले अयोध्या को खूब सुंदर बनाया जाता है। इधर भगवान जब पुष्पक विमान पर सवार होकर के अयोध्या के लिए प्रस्थान करते हैं, तो जिस समय से जानकी मैया के वियोग में वनवास का
समय व्यतीत करते हैं, वो सारा यात्रा वृत्तांत को बताते हुए दिखाते हुए ले आ रहे हैं। और जब अयोध्या के नवमंडल में पहुंचे प्रभु श्री राम, अयोध्या की महिमा का बखान करते हैं। भगवान कहते हैं, यद्यपि वैकुंठ की बहुत महिमा गाई गई है, लेकिन हमसे कोई पूछेगा कि हमें क्या प्रिय है, हमें हमारी अयोध्या प्रिय है। अयोध्या में अपने जीवन के आरंभ का जो समय था, करीब 5 महीने हमने व्यतीत किए हैं। अद्भुत है अयोध्या, सबसे सुखद है सरयू मैया में स्नान करना। सुबह 4-4:30 बजे रोज जाते थे, स्नान करते थे। वहां जब संत देखते हैं ना, तो उम्र नहीं देखते हैं। हर साधक दूसरे साधक को दंडवत करके प्रणाम करता है। हरि कृपा तो ऐसी है कि हर दिन अनगिनत भंडारे होते हैं। और आप लोगों को क्या बताना, आप लोग तो पड़ोसी हैं, सब कुछ देखते रहते हैं। भगवान कहते हैं, अवधपुरी समा प्रिय नहीं सो, यह प्रसंग जान नहीं को को। जन्म भूमि मम पुरी सुहावनी, उत्तर दिशि बह सरजू पावनी। राम जनते बिनहि प्रयासा, मम समीप नर पावहि बासा। बहने वाली सरयू मैया बहुत पवित्र है, जो कोई उनमें स्नान करता है ना, वो मेरे समीप वास करता है। अति प्रिय मोहि यहाँ के बासी, मम धामदा पुरी सुखरासी। यहाँ के रहने वाले मुझे अत्यंत प्रिय हैं। और अपने गांव के किसे नहीं प्रिय होंगे, परदेश में आपको अपने गांव का कोई मिल जाता है, कितनी कितनी खुशी मिलती है। अपने क्षेत्र का मिल जाए, यहाँ तो भगवान अपने जन्मभूमि के लोगों के बारे में बता रहे हैं। हमारी ये अयोध्या हर प्रकार के सुख समृद्धि से युक्त है। ये अलग बात है कि अयोध्या के साथ एक लंबा वनवास रहा है। हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हम सबके आंखों के सामने प्रत्यक्ष हमने अयोध्या को वनवास खत्म होते देखा ना। ये भगवान की बहुत कृपा है, कितनी आंखें तरस गई उन्हें देखने के लिए। जब भी कभी भगवान के मंदिर की कथा गाई जाएगी, तो उसमें जो प्रत्यक्षदर्शी हम लोग जो हैं, वो सर्वोपरि गिने जाएंगे कि हमने अपने आंखों से सब कुछ देख पाया। 22 को तो VVIP व्यवस्था थी, उस दिन कोई घुस ही नहीं सकता था। और 23 को संभावना एकदम नहीं थी कि दर्शन हो पाएगा, बड़ी भीड़ थी। लेकिन इतनी सुंदर बनावट, इतनी व्यवस्थित बनावट है कि हम लोग लाइन में लग गए। और वो सब लाइन कितनी लंबी है, सब वीडियो मैंने बना के फेसबुक पे डाला है, बहुत लंबी लाइन थी। लेकिन झटपट दर्शन हुआ। और लकली उस दिन फोन उन का इस्तेमाल करने का छूट था। हम लोगों ने सब खूब लाइव किया, वीडियो बनाया। जितने भी अंदर अधिकारी थे ना, पुलिस के कर्मचारी, इतनी अच्छी थी, इतनी अच्छी। ऐसे लगा के, ऐसे लग रहा था चुन चुन के उन भक्तों को वहां पर सेवा में नियुक्त किया गया है, जो
किसी भी तरह का कोई दुर्व्यवहार ना करे। और पहली बार हमको लगा कि उत्तर प्रदेश पुलिस के लोग इतने अच्छे होते हैं, नहीं तो उनकी पहचान कैसी है, कोई छुपा नहीं है, थाने पर चले जाओ तो बिना मतलब के सीधे श्री गणेश करते हैं लोग। लेकिन मंदिर परिसर में सब भगवान के अच्छे भगत वहां थे, अच्छे से, कोई चाहता नहीं था वीडियो बनाया, लेकिन धीरे से कोई मना भी नहीं करता था क्योंकि सब वीडियो बनाने लाइन जाम हो जाएगी, कैसे दर्शन होगा। तो उसी में सब लोग अपना हाथ साफ कर ले रहे थे वीडियो बना के स्मृति रखने के लिए। बहुत सुंदर अद्भुत है, पता है किसी भी देव के स्वरूप का जब दर्शन करने जाइए ना तो इतना एकाग्र होके जाइए कि एक बार दर्शन हो जाए ना फिर जहां बैठे हैं वहीं बैठे बैठे 10 सेकंड में पूरा दर्शन आपका दोबारा हो जाएगा। मुझे 3 दर्शन कभी नहीं भूलते हैं। एक तो अयोध्या जी में नागेश्वर नाथ का दर्शन है, हमें याद है जब हम जल चढ़ा रहे थे ना तो उनको ऐसे ऐसे स्पर्श कर रहे थे, ऐसा लग रहा है जैसे कोई बच्चे का तलवा ऊपर करो धक धक कर रहा था, वो कभी भूलता नहीं है। दूसरा त्र्यंबकेश्वर जो नासिक में है, इतना सुंदर दर्शन मिला, खूब खुला खुला स्थान। और तीसरा भगवान श्री राम का दर्शन, बहुत सुंदर। भगवान पुष्प विमान को आदेश देते हैं, धरती पर उतरते हैं, बड़े बड़े संत महात्मा ऋषि अयोध्या के सब नागरिक सब लोग भगवान से मिलना चाहते हैं। भरत जी भगवान के चरणों में लिपट जाते हैं, उन्हें बरबस उठा के अपने हृदय से प्रभु लगाते हैं। और ऐसी स्थिति है कि सब लोग यह दृश्य देख के अपने शुद्ध बुद्ध खो देते हैं। परी भूमि नहीं उठते उठाए बर करी कृपा सिंधु उरलाया, उठ नहीं रहे चरणों से, भगवान जबरदस्ती उठा के अपने हृदय से लगाए हैं। सबके मन में इच्छा थी ना कि भगवान हमको भी ऐसे मिल जाते कितना अच्छा होता। भगवान सबके मन की बात जान गए। पहली बार भगवान ने अपनी अद्भुत कृपा दिखाई है, जितने लोग अयोध्या में उतने राम बनते हैं और सबके पास जाके सबको अपने हृदय से लगाते हैं, सब खुश हो जाते हैं। माता मिलती हैं सुमित्रा जी को, सल्या जी, भगवान सबसे पहले कैकेयी मैया के पास जाते, उन्हें प्रणाम करते और कहते हैं माँ आप निमित्त हो कर्ता नहीं हो, खुद को दोषी मत मानिए। गुरु वशिष्ठ जी ने सारी तैयारी कर रखी थी पहले से, उन्होंने कहा पिछली बार एक रात के विलंब से राजा राम न बनकर वनवासी राम हो गए राम, इस बार विलंब भी नहीं करना, आते ही सबसे पहले राज तिलक करना है। भगवान श्री राम अपने स्वयं हाथों से भरत जी के केसों को सुलझाते हैं, लक्ष्मण के बालों को ठीक करते हैं, उन दोनों को स्नान कराते हैं, शत्रुघ्न को स्नान कराते हैं, स्वयं स्नान करते हैं और फिर वल्कल वस्त्र से निकल करके राजसी परिधान में अलंकृत होते हैं। सभा के मध्य दिव्य सिंहासन रखा गया है, भगवान उस पर विराजमान होते हैं, जानकी मैया साथ में होती हैं। वेद मंत्र तब दुजन उचारे, नव सुर मुनि जय जय दी पुकारे, ब्राह्मण देवता वेद मंत्र का उच्चारण करते हैं, देवता लोग नव मंडल में गान करते हैं, नृत्य करते हैं, भगवान की जय जयकार करते हैं और फिर गुरुदेव वशिष्ठ जी महाराज भगवान राम का राज तिलक करते हैं। प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीन्हा, उनि सब बे प्रण आय सुदेहा। पहला तिलक वशिष्ठ जी करते हैं, ब्राह्मण लोग आशीर्वाद देते हैं और चारों तरफ जयकारा गूंजती है, बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय, राजा रामचंद्र भगवान की जय, राजा रामचंद्र भगवान की शॉर्टकट चलते हैं। राज तिलक हो जाता है, सब लोग आनंद से खाते पीते आनंदित,
उसके बाद उत्सव संपन्न होने के बाद भगवान कहते हैं अपने सभी साथियों से, अब आप अपने अपने नगर को जाएं, गांव को जाएं। सब लोग जाने लगते हैं, पर अंगद जी कहते हैं हम नहीं जाएंगे, हम आपकी सेवा करेंगे। और ऐसा भाव उनका है, कहते हैं नीच टहल गृह के सब करी हम, पद पंकज बिलो की भाव तरी हम, अस कही चरना पर प्रभु पाही, अब जनिनाथ कहूं गृह जा। अंगद जी कहते हैं आपके घर का छोटा से छोटा काम सब करेंगे, आपको भेजिए मत, अपने अपने घर में रख लीजिए, आपको दिन भर देखेंगे, सुबह शाम देखेंगे, हमारा जीवन सफल हो जाएगा। भगवान कहते हैं अंगद आप युवराज हैं, अपने चाचा की सहायता करिए अपने राज्य के संचालन में, और ये आपका नगर है, आपका घर है, जब मन हो आ जाइए, लेकिन काम धंधा छोड़कर हमारे पास रहेंगे ये हमको पसंद नहीं है, आप जाइए और जब मन होगा फिर आ जाइएगा। भगवान की बात सुन करके अंगद जी अपने चाचा के साथ अपने नगर को प्रस्थान करते हैं, और फिर भगवान राम का राज्य शुरू होता है। सब लोग आनंदित, सब लोग प्रसन्न हैं, किसी प्रकार का किसी को दुख नहीं है, कष्ट नहीं है। एक दिन की बात है, भगवान अपने समस्त नगरवासियों को बुलाते हैं और उन्हें समझाते हैं, कहते हैं देखो बहुत सुंदर बात कहते हैं, जो अनीति कछु भाखो भाई तो मुई बरजो भय बिसराई। यदि हम कुछ गड़बड़ बात बोले, अनुचित बात बोले, निर्भय होके हमें रोकना, ऐसा राजा कहीं नहीं मिलेगा जो अपने नागरिकों को, प्रजा को ये अधिकार दे कि अगर हम गलत है तो हमें रोको टोको समझाओ। आजकल के राजा तो नेताजी लोग हैं, जब जीते नहीं होते हैं तो आते हैं, हाथ जोड़ते हैं, और जीतने के बाद बहुत कम ऐसे गिने चुने नेता हैं जो अपने जनता के सुख दुख का फिक्र करते हैं, अधिकतर तो पगला जाते हैं। कितना गमन करना, कितना लूटना, कितना घोटाला करना, सब छुपा छुपा के हजम कर लेते हैं, और फिर जांच शुरू होती है, और जांच के चक्कर में बेचारे सब फंस जाते हैं। आजकल एक लोग तो बहुत भयंकर फंसे हुए हैं, ईमानदारी के प्रतिमूर्त आजकल घोटाले के चक्कर में अंदर बेचारे। ठीक है, तो नेताजी लोग अगर सुन रहे हैं तो नेताजी जनता की खूब सेवा करिए, पुण्य कमाइए, रोजी रोटी की जो जरूरत है उसका व्यवस्था कर लीजिए, बहुत ज्यादा पीछे मत भागिए, एक दूसरी सरकार आएगी अंदर डाल देगी। हाँ, अधिकारी और नेता की बड़ी दुर्गति है, जो गड़बड़ करता है वो फिर बचता नहीं है। भगवान कहते बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ नि गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जही परलोक सवार। ये जो मनुष्य योनि प्राप्त हुआ है, अगर इसमें आ करके हम अपने जीवन में खुद को मुक्त नहीं कर पाए तो हमारे ये जीवन निरर्थक हो जाएगा। जो न तरे भव सागर नर समाज अस पाई, सो कृत निंदक मंद मति आत्मा हन गति जाए। मनुष्य तन पाकर के भी जो भव सागर से पार नहीं होता है, मोह माया से छूट नहीं पाता है, वो आत्महत्या है, आत्महत्यारा है। करन धार सदगुरु दृढ़नावा, दुर्लभ साज सुलभ करी पावा। एक गुरु बनाइए और गुरु से अपने आध्यात्मिक उन्नति का साधन प्राप्त करिए, आगे बढ़िए, जीवन को सार्थक करिए। भगवान कहते हैं मोर दास कहाई नर आशा, करई तो कहूं कहां विश्वासा। अगर मुझे अपना भगवान मानते हो, भरोसा करो, सब सब तुम्हारा काम बनाएंगे, बस अपना कर्म अच्छा रखो और मुझ पर भरोसा रखो। इस तरह से भगवान सारी बातें बताते हैं और फिर सबको विदा करते हैं। एक छोटी सी घटना बता रहे हैं, एक दिन की बात है, वशिष्ठ जी राम जी के पास आते और कहते हैं हम अभी गुरु बन के नहीं आए, हम शिष्य भाव से आए हैं, ये आपका जो घर का पुरोहित वाला काम था ना, ये जब हमको करने के लिए कहा गया तो हमारा मन नहीं हुआ,
काम बहुत गड़बड़ है, लेकिन जब मालूम चला कि इसी कुल में परब्रह्म का अवतार होगा तो आपके दर्शन लाभ के लिए हम इस कार्य को ले लिए। पुरोहित वाला काम गड़बड़ क्यों है, ये बात इसलिए मैं कह रहा हूं कि अभी नहीं हमेशा से जीवन के हर कार्य में खर्च करने के लिए हमारे पास खूब धन होता है। सालगिरह मनाएंगे, ऐसा मनाएंगे जितनी क्षमता नहीं उससे अधिक खर्च करेंगे। बेटे के जन्मदिवस मनाएंगे, उसमें भी कोई कंजूसी नहीं करेंगे, लेकिन सत्यनारायण की पूजा सुनेंगे, कथा सुनेंगे तो वहां कहेंगे कपड़ा वाले से, भैया पूजा का कपड़ा दे दीजिए। और इतना नीच दुकानदार जो जितना सरल पाकल कपड़ा रहता है, आउट ऑफ मतलब सेल, मतलब बिकना ही नहीं उसको, वही देता है। अपने पंडित जी बता रहे थे कि जब हम गए पूजा कराए, कपड़ा मिला, जंगिया सी आए, जैसे पहन के नहाने गए फर फट गया। हमारा महाराज बहुत नाराज हो, कैसे कैसे दुष्ट तुम्हारे जजमान है। आप ना छोटा सा इतना बड़ा रुमाल दीजिए, लेकिन अच्छा सा दीजिए ना, जिसको उपयोग करते समय मन खुश हो। 4 मीटर का धोती अगर पहन ले तो जालीदार कुर्ती हो जाता है, हाँ पूरा शरीर दिखता है। पूजा पाठ के लिए कुछ करने का मन है तो पूरे मन से करिए, दिखावे के लिए मत करिए। पंडित जी से सीधे डील कर लीजिए, देखिए ये 500 का बजट है, 1000 का बजट है, इसमें जमन करना है करवा लो, लेकिन पूरा पूरा इन्वॉल्वमेंट के साथ कराइए। इमोशनल इन्वॉल्वमेंट अच्छा होना चाहिए, ये नहीं कि आप खाली टिटिम्मा में फंसा दिए और उसी में फंसे रह गए। इन कारणों से ये पंडिताई वाला काम करने का मन नहीं होता। और आजकल तो पंडित जी का लड़का भी पंडित नहीं बनता है, हाँ वो सोचता है कि कुछ और ही करते हैं। एक दिन ऐसा आएगा कि नवरात्रि में 9 दिन का सब व्रत रहेंगे और 2 महीना बाद नंबर आएगा हवन कराने का। हाँ इसलिए जो अच्छे पंडित हैं उनका पोषण करिए, संरक्षण करिए, ठीक। यही नहीं कि पंडित जी लूट रहे हैं, उन्होंने बच्चा पढ़ रहा है बेचारा, कहाँ पढ़ेगा। सब्जी लेने जाते दुकानदार नहीं कहता फ्री में ले जाइए, पंडित जी हैं। मैं उस वर्ग के पोषण के लिए आपको प्रेरित कर रहा हूँ जो वर्ग अपना सब कुछ त्याग करके आपके सेवा में लगा हुआ है। नाथ एक बार मांगो राम कृपा करी दे, जन्म जन्म प्रभु पद कमला कबहु घटे जनने। वशिष्ठ जी कहते बस एक बार हम आपसे चाहते हैं। क्या वर? दुनिया की चीजें नहीं मांगते हैं हम लोग, भगवान के पास जाते हैं, ये दे दो, ये दे दो, ये दे दो, ये दे दो, लड़का को लड़का कर दो, हाँ हाँ नौकरी लगवा दो, हमारी बेटी की शादी हो जाए, घर एक मंजिल दो मंजिल, ये सब मत मांगिए। भगवान से भगवान की भक्ति मांगिए, ठीक है। और जब भगवान ही प्रसन्न है तो फिर किस बात का गम है, कोई कमी नहीं रह जाएगी। बस इतना वर चाहिए कि हमारा जो प्रेम है आपके चरण कमलों में कभी कम न हो, भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं, खुश हो जाते हैं। ये सारी कथा पार्वती जी को शिव जी सुना रहे हैं, एकदम आरंभ के पहले दिन की कथा याद करिए। पार्वती जी पूरी कथा सुनकर के बहुत प्रसन्न होती है। तुम्हारी कृपा कृपा इतना अब कृत कृत नमो जाने राम प्रताप प्रभु चिदानंद संतो। आपकी कृपा से भगवान राम के यथार्थ स्वरूप को हम जान पाए, अब कोई मोह नहीं है, कोई संदेह नहीं है। राम चरण रति जो चह अथवा पद निर्माण भाव सहित सो यह कथा करो श्रवण पुटपान। भगवान के चरणों में कोई प्रेम चाहता हो अथवा मोक्ष चाहता हो, प्रेम से अपने कानों में कथा सुने, उसको वो सब मिल जाएगा। भगवान शिव कहते हैं गिरिजा, ये पवित्र कथा भगवान राम की हमने आपको सुनाई, पार्वती मैया प्रसन्न हो जाती हैं, अंत में बहुत सुंदर भाव है। पतित पावन राम भज सुनु सक मना, गनिका अजामिल व्याध गीध गजा
राम पावन राम भज सुन सठ मना। राम जी के भजन करने के उपरांत ऐसा कौन होगा जिसकी गति न हुई, जिसकी सदगति न हुई। यहाँ पे वर्णन आया है गणिका जामिल ज्ञान व्याध गीत गज आभीर यमन किरात खस चांडाल। अनेक लोग हैं जो मुक्त हो गए। अब इन सबकी बड़ी बड़ी कथाएं जो यहाँ पे वर्णन आया है, गज की कथा, गजग्राह की कथा भागवत जी में आता है, अजामिल की कथा, गणिका की कथा, तो उसके लिए फिर बैठा जाएगा। रघुवंश भूषण चरित यह नर कहीं सुनहीं जगावहीं। जो लोग गाएंगे, कहेंगे, सुनेंगे, उनके भीतर का जो कलमस है सब समाप्त हो जाएगा। सात पांच चौपाई कुछ भी जो आपको अच्छा लगे ज्ञान से भरा हुआ, उसको याद करके हमेशा उस पर ध्यान दीजिए, उसका मनन करिए, जीवन से ज्ञान समाप्त हो जाएगा। और आखिरी में इतना सुंदर है, इतना सुंदर, सुंदर सुजान कृपा निधान अनाथ पर कर प्रीति जो, सो एक राम अकाम हित निर्वाण प्रद समान को। भगवान राम सुंदर हैं, परम ज्ञानी हैं और अनाथों से प्रेम करने वाले हैं। वो एक राम ही हैं जो निष्काम होकर के अपने भक्तों का हित करते हैं, मुक्ति देते हैं, उनके जैसा कोई और नहीं है। तुलसीदास बाबा कहते हैं जाकी कृपा लवलेश ते मतिमंद तुलसीदास, जिसकी कृपा के लेश मात्र कृपा मिल जाने से मैं मतिमंद तुलसीदास परम विश्राम पा गया। उन राम के समान दूसरा कोई नहीं है। पायो परम विश्राम राम समान प्रभु नाही। तो सोचो गोस्वामी तुलसीदास जी क्या कह रहे हैं, मतिमंद अपने बारे में कह रहे हैं, उनकी कृपा से हम परम विश्राम पाए। जिन्होंने श्री रामचरितमानस का लेखन किया, ऐसे वैदुष्य संपन्न भगवान के भक्त कह रहे हैं मतिमंद रहे। अंतिम में बहुत सुंदर प्रार्थना है, मोसम दीन न दीन हिता तुम समान रघुबीर, अस विचारी रघुवंश मनी हरहुं विषम्भव। हमारे जैसा कोई दीन नहीं और आप जैसा दीनों का हितैषी नहीं है। हे प्रभु हमारे जीवन के विषमताओं को हर लीजिए। एक प्रार्थना और है, क्या कामी ही नारी प्यारी जिमी लोभी प्रिय जिमिदाम तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु मोहि र।
जैसे कामी को स्त्री प्रिय है, जो लालची उनको पैसा पसंद है। हे नाथ, उतनी ही तीव्रता से हमें आप प्रिय लगते रहे, बस इतनी सी प्रार्थना है। पुण्यम पापहरम सदा शिव करम विज्ञान भक्ति प्रदम माया मोहमलाभहम सुविमलम प्रेमाम्बुरम शुभम श्रीमद् रामचरितमानसमिदं भक्त्या वहन्ति ये ते संसार पतंग घोर किरणै दहयन्ति नो मानवा। भगवान की कथा पुण्यदायी है, पापों का हरण करने वाली है। जो कोई इस कथा में श्रवण रूपी गोते लगाता है, उसके जीवन में कभी त्रैताप उसको विचलित नहीं कर पाता है। इति श्रीमद् रामचरितमानसे सकलि कलि कलुषु विध्वंसने सप्तम सोपान समाप्त। तो कथा पूरी हो गई, बस इतनी सी बात हम कहेंगे। पहले समय देख लेते हैं, 9:17 हुआ है, बहुत विलंब नहीं हुआ है। ठीक, एक दो भजन सुना जाएगा। हमारी जितनी मति बुद्धि है उतना हमने आपको सुनाने का प्रयास किया है। गलती तो हमने कहीं नहीं किया है, ये मुझे मालूम है। बस मेरे अंदर एक ही गलती है कि जब कुछ हमको अटपटा दिखता है तो हम भड़क जाते हैं। हमारी एक आदत है कि एक बात जब दोबारा रिपीट करना पड़ता है और कोई नहीं समझता है तो वो चिढ़ जाते हैं। तो ये सब हमारी कमी है। इन सब बातों पर आप ध्यान मत दीजिएगा। जो आपके काम की बात कुछ आपने सुनी उसको अपने जीवन में उतारिएगा। और खाली ये 7-9 की कथा से कुछ नहीं होगा। हर दिन थोड़े समय कथा सुनिए, हमारी कथा, किसी और की कथा, जो आत्म तत्व की बात करे, जो आध्यात्म की बात करे, ऐसी कथाओं को सुनिए और अपने जीवन के सार्थकता की ओर ले जाइए। ठीक, हमारे साथ संगत कर रहे थे आर्गन पे प्रेम भैया, इनका नाम बोलू जी हैं तबले पे, और चंद्रकेश हैं पैड पर। इन सब लोगों को साधुवाद। साउंड सिस्टम पर नाम क्या उनका, नाम क्या था, सचिन, हाँ सचिन भैया, सचिन भैया को साधुवाद। हमें यहाँ बुलाने के लिए प्रवीण सिंह, प्रवीण मिश्रा जी को बहुत बहुत साधुवाद। आप दोनों हमारे लिए मतलब उम्र में बाप के समान हैं, छोटे नहीं हमारे बाप से, आप लोग आसी पास हैं। तो व्यवहार में वही रहेगा, ज्ञान देने के लिए हम आए हैं। तो आपने जो सम्मान दिया वो भी अपनी जगह, मुझे बहुत सुख मिला उससे। आप सब जितने प्यार से सुने हैं ना, ये सुनने का जो ढंग है सब जगह नहीं मिलता है। बहुत कम हमने भजन आपको सुनाया, अधिक से अधिक कथा के विषय वस्तु में आध्यात्मिक विषयों को जानने समझने में हम लोग खर्च किए। तो कथा की सार्थकता यही है कि हम कुछ नया सीख लें। भजन तो एक से एक सिंगर यूट्यूब पे नाम डालो, खट से गाना शुरू कर देंगे। हम क्या सुनाएंगे आपको भजन वजन, लेकिन जो हम सुनाए हैं वो YouTube पे सुन करके कुछ नहीं होगा। ये जो 2-2.5 घंटा आप लोग बैठे रहते हैं, इसमें 70-80% आप पूरी तरह एकाग्र होते हैं। तो एकाग्रता में जब हमको सुनते हैं ना, तो हमारा चित्त अंदर ही अंदर बदल रहा होता है। जो उसमें कमियां थी वो अपने आप खत्म हो रही होती हैं। अब सीधे भजन सुनते हैं और उसके बाद आरती करेंगे। आज तो छुट्टी है, घर में भोजन वोजन कर क्या है आप सब लोग? कितने लोग भोजन नहीं किए, हाथ उठाइए। तो क्या करने के करेंगे आप लोग? सुबह भोजन तो मिलेगा भंडारे में, कुछ तो बचाइए, बताइए। सब खा खा के जो है क्या क्या, हाँ अच्छा, विदाई भी होगी। ठीक है, तो भैया एक काम करते, एक भजन सुना देते हैं और उसके बाद प्रेम जी थोड़ा बहुत गाते रहेंगे। पेट में दुखा था, दर्द होता है, देखिए प्रॉब्लम क्या बताओ। अच्छा ठीक है, ठीक है। 1 घंटा जब गई है तो इनका आवाज पहुंची वहां जहां से गावल जाना। वाह, अगले से पहले 1 घंटा घरवा में गा लेते बाबू का। हाँ प्रैक्टिस नहीं करते हैं लोग। ठीक, एक भजन सुनते हैं और फिर आप लोग
यहाँ आ सकते हैं। कौन सा भजन आपको सुनाया चटपटा सा? हाँ, बहुत बढ़िया भजन आ गया, बहुत बढ़िया, बहुत प्रिय है। राधा रानी हमें ये बता दे जरा, तेरा दीवाना कैसे हुआ सारा। जी शाह, Thank you.